हमारी मंडी की शुभारंभ होने जा रहा है। जीवाणा में मारुति कृपा अनार मार्केट का शुभारंभ शनिवार को। मंडी में धर्मकांटा स्थापित करने से किसानों को अब नहीं होगी परेशानी। सायला उपखंड क्षेत्र में हो रही बड़ी मात्रा में अनार की खेती से अच्छी क्वालिटी के अनार होने से यहां के अनार की मांगे विदेशों में बढ़ रही हैं। ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों के बड़े व्यापारियों ने जीवाणा में अपनी अनार मंडी स्थापित करना शुरू कर दिया है। इसी के सिलसिले में जीवाणा में मारुति कृपा अनार मार्केट का शुभारंभ शनिवार को होगा। मंडी के संचालक एवं बिजनेसमैन लालाबाई ठक्कर नासिक वाले ने बताया कि जीवाणा कस्बे के सिंधरी जालोर हाईवे पर मंडी के शुभारंभ के इस कार्यक्रम में श्री श्री 1008 श्री उम्मेद गिरी जी महाराज मीठामठ, श्री गुलाब राम जी महाराज राजा राम आश्रम लुम्बा की ढाणी, श्री दरगा राम जी महाराज राजा राम आश्रम केशवना का सान्निध्य प्राप्त होगा। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं किसान मौजूद रहेंगे। मंडी बिजनेस पार्टनर सैयद सबीर ने बताया कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करते हुए मंडी के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होगा। सैयद सबीर ने बताया कि जीवाणा एवं आसपास के क्षेत्र में धर्मकांटा कहीं नहीं है, ऐसे में अनार की नापतोल में काफी परेशानी हो रही थी, ऐसे में हमने मंडी में ही धर्मकांटा लगा दिया है, ऐसे में किसान को तुलाई करवाने में आसानी रहेगी। उन्होंने बताया कि जीवाणा स्थित अनार मंडियों में तुलाई के लिए किसान अपने वाहन एवं ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी में खड़ा कर दिन भर परेशान होते थे, ऐसे में अब मंडी में धर्मकांटा स्थापित कर देने से किसानों के समय का सदुपयोग हो सकेगा। नमस्कार खेडूत मित्रों, जय जवान जय किसान। मैं आपका लालाबाई ठक्कर, मारुति कृपा अनार मार्केट। शनिवार 22/1/2022 को हमारी मंडी की शुभारंभ होने जा रहा है, तो मैं किसान भाइयों को कुछ इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि ये पूरे जालौर के जो जीवाणा एरिया के अंदर अपना पहली बार वजन काटा, धर्म काटा जिसे हम कहे जाता है, वो लगने जा रहा है। इससे ये किसानों की सुविधा के लिए लगाया जा रहा है, जिससे आपका माल बहुत जल्द ही जल्द खाली होके आप यहाँ से जल्द भर या अपने खेत पे जा सकते हो। दूसरी बात ये कि आपको तुरंत आपके माल का भुगतान आरटीजीएस द्वारा तुरंत किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको दो दिन चार दिन में पेमेंट मिलेगा, आपको पेमेंट का भुगतान तुरंत किया जाएगा। बस इसके लिए सिर्फ कंडीशन या शर्त इतनी है कि बैंकों की छुट्टियां या सरकारी छुट्टियां ना हो, इतना छोड़ करके आपको रोज के रोज जो भी दिन है आपको पेमेंट होता रहेगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ आइए, एक बार मंडी की सुविधाओं का पूरा मुआयना कीजिए, किस तरह की सुविधाएं की गई है। पूरी मंडी कैमरों से लैस है, कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हर चीज के लिए कैमरे लगे गए, जहाँ के किसानों की सुविधा हो, किसी चीज की हलचल ना हो। और इसी कारण मैं सभी किसान भाइयों को नम्र निवेदन और आग्रह करूंगा कि एक बार जरूर मंडी में पधारे। फिर इसके अंदर एक शर्त रहेगी कि जितनी मेरी क्षमता है वहां तक हम पूरा माल अंदर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी तो हम द्वार बंद कर देंगे। तो किसान भाइयों, आप सबकी सेवा के लिए आपका लाला ठक्कर और मेरी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, ये सब लोग हम आपके लिए आतुरता से आपकी सेवा में हाजिर है। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।